आ देख लो गड्डी दी हालत कितनी ज्यादा, मिट्टी देख लो, लोहे दा लाया हुआ छक्का लाया हुआ, ठीक है। नहीं यानी कि ये चीज बनाई सी ते चलते हैं। हाँ ये बिल्कुल ही सो ये है जी, वो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का जड़ियाँ गुफावं बनिया हुई हैं। फाइनली असं इतने पहुँच गए हैं बड़ी मुशक्कत तो बाद, बड़ी मुशक्कत तो बाद बहुत ज़्यादा, पहले तो वापस जाने का इरादा सी बट फाइनली असं पहुँच ही गए हैं। चलो सो ये है जी, छोटी छोटी पौड़ियाँ चढ़ के जाना पैंदा, पहला बाबा जी ने इंट्रोडक्शन देनी पी पूरी ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਚੜਿਓ, ਤੋ ਸਿੱਧਾ ਗਿਰਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਪਰੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਫਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਫਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ वो अंदर बिल्कुल घुप हनेरा, चलिए अंदर। सो थोड़ा जा डर भी लगता है ना अंदर जाने, मैं भी जगा रहा एक सेकंड। सो ये जी गुफा ये अंदर हूँ, मतलब वो दूजे पास निकल दी है। चलो मनी जगा ला, लाइट जगा ला, चलो बस कोई सप वगैरह ना हो, और तो कोई गल नहीं। अच्छा देखो जी, हाँ इतने आप खड़े हो सकते हैं, वो जिथो असि आए हैं वो नीवी है, वैसे लिखे इतने खड़े हो सकते हैं, नाम नूम लिखे हुए लोगों ने रस्ता, ध्यान पता नहीं उथे लंघ भी पावांगे कि नहीं। सो ओहो सो ये है जी, लंघ तो आए हैं आप, इतों वापस भी जाना मुश्किल है, इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर तो कुछ भी नहीं है जी, सामने चलो, हाँ नहीं है नहीं कुछ भी, सीधा पहाड़ी है। सो इतने असि आए हैं जी, आ देखो आ बिलकुल थोड़ी जी जगह निकलन बाहर, बिलकुल थोड़ी जी जगह, आ देखो आ इन्नी की जगह, आ देखो जी, मतलब यार इसकी साफ सफाई जरूरी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं सही गल है, ये तो आप ही लोग मेरे ख्याल इतने जो लोकल लोग है वही साफ सूफ करते हैं माड़ा मोटा, ता साफ हो जाती है मेरे ख्याल, उधरों रस्ता है वापस आने का, मनी माड़ा देखो तो यार। नहीं नहीं हैगा रस्ता, ध्यान ना देखी है इरफान आराम नाल, हैं भारी है नहीं यार, अच्छा है नहीं रस्ता, चलो फिर वापस चलो भाई आराम नाल, हुण के सड़के चल। सो हुण इत्थों वापस जाने हैं, ते तुसीं ये देख लो एक मिनट चलते हैं, हाँ ये बिलकुल यानी कि कच्ची मिट्टी की बनी हुई है, हाँ हाँ। सो आ देखो जी झाड़िया झुड़िया सारिया इतने, मेरे ख्याल कंडे भी लग कंडे चुभ रहे इतने, तो मेरे हिसाब ने यदि सांभ संभाल होनी जरूरी है, साफ सफाई बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ताकि है ना इन संभालिया जा सके, एक गुफा एक होर है गुफा इतने वो दूजे पासे है, चलो फिर वापस चलते हैं जी हुण, तो कपड़े कुपड़े साढ़े सारे देख लो लिबड़ गए हैं।
सो हुण आपां वापस जा रहे हैं। सफाई सफुई की है थोड़ी बहुत, बट ये गिरती है ना, क्योंकि कच्ची है ना, मिट्टी दी है, बिल्कुल कच्ची है, तो यह डिगदी रहती है। इहदा इतिहास ये है जी कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ते उन्हां दीआं फौजां उन्होंने यानी कि यह चीज़ बनाई सी। ते कुत्ती आ गई पिछे, अच्छा कुत्ती ने उत्थे बच्चे भी रखे हुए अंदर, ता करके साढ़े मगर मगर आ रही सी। सो इहदा इतिहास ये है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ते उन्हां दीआं फौजां ने इहनू बनाया सीगा, ते उह इत्थे रहिंदे सीगे, आ एरिया सारा उन्होंने उन्हां दा ही सी। ते बाबा बंदा सिंह बहादुर दे उत्ते यानी कि बहादुर शाह जिहड़ा उन्हें अटैक कर दिता सीगा, है ना। उस तो बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर इहनू छड्ड के फिर वह चले गए सीगे, इत्थों मतलब रस्ते निकल रहे लाहौर नू जांदे सीगे, ठीक है। तो वह लाहौर चले गए, मतलब काफ़ी रस्ते विच होर भी बहुत कुछ होया, पूरी डिटेल विच मैं मतलब नहीं जा सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। तो उस तो बाद लाहौर चले गए, उस तो बाद बहादुर शाह जिहड़ा वह मुड़ के उन्हां दे आपसी कोई झगड़े जां कुछ हो गया है ना, वो सारा उन्हां नूं इत्थों छड्ड के जाना पिया। उदों बाद फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर दोबारा इधर आए, फिर आके उन्होंने इत्थे अपना जमावड़ा किया सीगा, ठीक है। तो ये मोटा मोटा इतिहास है। सो आ देखो जी पूरा इलाका एक बारी तुसीं देख लो, ये बिल्कुल पहाड़ी दे उपर है ये गुफा, ते इत्थे होर भी बहुत सारियां गुफावां, बट वह गुफावां हाँ को टाइम दी शॉर्ट है, हाँ पता नहीं है, हाँ बाकी सूरज हौली हौली नीचे जा रहा है, चैनी चुनी पाई मुंडे ने, पूरी टॉर कड़ी है, गैंगस्टर 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 आया दे, किथे है देला, तेनू कितनी पवित्र कितनी वधिया जगह ते लै के आए, वैसे तेनू रुमाल बन के आना चाहिए सी तेनू भी, ठीक है। मैं तो घर गया ही, तुम्हें परना बंद बने थी वो यार, बस फिर थोड़ा जहा माहौल खराब हो गया सी, तां करके आपां को टाइम दी शॉर्टेज ज्यादा पै गई सी। हाँ पीछे सारा ग्राउंड है, देखो कितना वधिया लग रहा है, हाँ वो सारा ग्राउंड है, हाँ खेडन कूडन लई, वैसे खेडना खेडता तो कोई दिखिया नहीं, वैसे तो वधिया लग रहा है, फन वधिया लग्या फिर लग्या भाई। अच्छा की वैसे तुहाडे की विचार है इत्थे, मतलब इस जगह बारे की विचार है? शांति काफी है इत्थे, फर्स्ट टाइम है गुफा ते, फर्स्ट टाइम देखी है मैं इधर ही, खून पसीना अपना डोलिया है ना, खून अपना डोलिया किदा उन्होंने अपने पंजाब दी, उन्होंने तो कल्ली कल्ली याद नु मतलब संभाल के रखना चाहिए अपने, है ना, और है की अपने को वापसी वाल वधदे आ, हुण आपां गुरद्वारा टिब्बी साहिब जा रहे हैं, ठीक है जी। ते उस तो ओए ओए हौली हौली, ते उस तो बाद फिर आपां घर वापस ही वल नूं चलांगे। ते आ रस्ता यानी कि बहुत खतरनाक है, देखो आ बिल्कुल पहाड़ी है नीचे, इतों जो पैर फिसलिया देखो, जो इतों पैर फिसलिया इतों परे नू गए और टुट गई, आप सीधा थले, बहुत खतरनाक रास्ता ही है। चलो जी वापसी नू, ते हुण मतलब सानू ये दसो भी है ना भी ये मतलब माड़ा मोटा सामभ संभाल हुण तुसी कर दे हो, है ना, ਗੁਫਾ ਹੈ ਜੀ,
ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੁਫਾ ਇਹਦੇ ਬਾਬਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੜਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫਾ ਹੈ ਇਹ ਪੱਕੀ ਕਰਾਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਾਕੂਵਾਲ ਹਾਂਜੀ ਕਾਕੂਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਾਕੂਵਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ अच्छा ये आप पक्की कराई है जी ठीक है यार तो बहुत बढ़िया कार है जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलो ਐਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋ ਕਿ ਗੱਡੀ ਪਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿੱਦਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ ਟੰਗੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੀ ਕਰਾਈ ਸਾਰੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੱਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਰਸਤੇ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਸਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਉੱਧਰ ਆ ਕੇ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਇੱਧਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਕਰਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕਰਾ ਦੇ ਪੱਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ बाबा जी सी इत्थे सेवा करदे आ जी ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮਤਲਬ ਉਲਝਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੂਰਜ ਜੀ ਵੀ ਛਿਪ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਾ ਲਾਈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁਣ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧੋਵਾਂਗੇ ਹੈਨਾ ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਟਾਟਾ ਬਾਏ 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 ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ।